गुड इवनिंग टू ऑल। सो गाइज आई वेलकम यू ऑन दिस चैनल इंग्लिश बाई जन्मेश सर। टूडे वी डू हैव दिस सीरीज 6 दैट इज बेस्ड ऑन रीड। तो सभी बच्चे लाइव आ जाएं। क्लास बच्चों आपकी लाइव हो चुकी है। ओके ओके ओके, सम प्रॉब्लम इट्स लुकिंग लाइक। तो सभी बच्चे लाइव आ जाएं। क्लास बच्चों आपकी लाइव हो चुकी है। जस्ट बी लाइव इन द क्लास। फैजन, रजा, रुचि, राखी, हाँ जी, तो सब बच्चे क्लास में पहुंच गए हैं। शुरू करते हैं अपने वर्क को। मुझे बताइए क्या कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम अब भी आपको महसूस हो रही है या फिर ठीक चल रहा है सब कुछ? इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट? हाँ जी, इट इज नॉट लुकिंग ऑल राइट। जी बिल्कुल, बच्चों में देख रहा हूँ इसको, बफरिंग कंडीशन इज देयर। शालिनी, रुचि, निधि, रूबी, सबिया, सतीश, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो एक बार इसको चेक करते हैं व्हाट इज द बेटर। अभी ये नेटवर्क तो ठीक दिखा रहा है बट स्टिल प्रॉब्लम इज देयर। तो अभी सब बच्चे आवाज को सुन पा रहे हैं? ऑडिबल एंड विजिबल है आपको क्लास? मुझे जरा बताएं सब बच्चे। हाँ जी, ऐसा ही करते हैं, स्टार्ट करते हैं और शुरुआत कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की। बाकी ये ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है जरूर नेटवर्क में जो कि पकड़ में नहीं आ पा रही है अभी तक। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ मिल्टन्स ऑक्टेव? आपको मिल्टन के ऑक्टेव की राइम स्कीम को देखना है। जी रीना, गुड इवनिंग। किरण, राखी, शालिनी, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज नेटवर्क में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है जी बच्चों। तो बताइए क्वेश्चन नंबर वन का आंसर कीजिए जो बच्चे देख पा रहे हैं। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ मिल्टन्स ऑक्टेव? ए बी बी ए, ए बी बी ए, या फिर समथिंग एल्स इज देयर?
जी ए आंसर आपने दिया है, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों आपका, इट इज द करेक्ट आंसर। तो ए हमारा करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा। गेटिंग एवरीवन? तो ए मस्ट बी द करेक्ट आंसर। तो आंसर वुड बी ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं सब बच्चे। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट? शेक्सपियर की सोनेट की आपको राइम देखनी है, तो अगर हम इसकी बात करें तो बच्चों क्या बनेगा हमारा, ए बी सी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी। तो इसमें वन आंसर बनेगा, कल हमने इस पर डिस्कशन भी किया था, तो ये आंसर हमारा वन होगा। ठीक है जी, और अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, नंबर थ्री। इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग द मेन थीम ऑफ सोनेट्स वॉज, जो शुरुआत थी बच्चों उसमें सोनेट की, जी टू का वन बन गया, बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर देखना है बच्चों, वी नीड टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री। इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग में सोनेट्स की मेन थीम क्या थी हमारी, ये पूछा गया है आपसे। लव, बिल्कुल सही है, ये बच्चों आंसर टू बनेगा। लव वॉज द थीम ऑफ द सोनेट्स इन द वेरी बिगनिंग। तो अगर हम बिगनिंग की बात करें, हमारा आंसर किस पे जाएगा, आंसर वुड बी द वेरी फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड वुड बी द आंसर। अब कुछ ठीक चल रहा है बच्चों, यहीं से हम पकड़ लेंगे बस लीड को। क्वेश्चन नंबर फोर को देखेंगे, कहता है पेट्रार्कन एड्रेस्ड हिज लव सोनेट्स टू। सब बच्चे देखेंगे, जैसे हम बात करें अगर चौसर की बात करें, अगर हम सिडनी की बात करें, उन सब लोगों ने भाई, अगर हम पेनिलोप की बात करें तो सिडनी की बिलेविड थी, अगर हम एलिजाबेथ की बात करें तो किसकी थी, चौसर की, सॉरी स्पेंसर की। बिट्राइस अगर हम देखें, शी वॉज ऑल्सो। तो आप बताएंगे पेट्रार्क ने किसको एड्रेस किए हैं अपने लव सोनेट्स। जी बच्चों, पेट्रार्क ने किसको, लोरा को, बिल्कुल सही बात है रीना, वेरी गुड, बिल्कुल सही है शालिनी। तो आंसर बच्चों आपका ए जाएगा, यानी कि जो पेट्रार्कन सोनेट्स हैं विच स्टार्टेड फ्रॉम इटली, ही हैड एड्रेस्ड हिज लव सोनेट्स टू लोरा, तो लोरा वॉज द बिलवेड ऑफ हिम। जी बच्चों बिल्कुल ठीक है, रूबी रुचि सतीश बहुत अच्छे, सबिया शालिनी रीना वेरी गुड बच्चों। जी किरण बिल्कुल ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर फाइव। देखो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है आपको, Which is the age considered fertile? मतलब कौन सी एज इनमें से फर्टाइल है सोनेट्स के लिए, सोनेट राइटिंग के लिए, न्यू क्लासिकल एज, एलिजाबेथन एज, मॉडर्न एज, या फिर नन ऑफ दीज। तो आप क्या आंसर बनाएंगे क्वेश्चन नंबर फाइव का। फोर का आंसर हमने देख लिया है, दैट वॉज लोरा, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव में देखेंगे कि विच एज वॉज द फर्टाइल वन फॉर सोनेट राइटिंग। फाइव का बी, बहुत अच्छे आंसर रीना पलक सतीश, करेक्ट बात है बच्चों, एलिजाबेथन एज देखेंगे, है ना, ये सबसे ज्यादा फर्टाइल एज थी यहां पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कर्टेल सोनेट्स, कर्टेल सोनेट वर रिटन बाई, ये किसने लिखी थी। सब अच्छे आंसर करेंगे, कर्टेल सोनेट वॉज रिटन बाई, कर्टेल सोनेट वॉज रिटन बाई, ये इन्होंने कर्टेल कर रखा है, वैसे कर्टल है अगर हम देखें तो। हाँ जी ये कर्टल है, स्पेलिंग क्या इसकी बनेगी, सी यू आर टी ए एल, कर्टल, सी यू आर टी ए एल, करेक्ट बच्चों। और अगर हम देखें कर्टल सोनेट की सबसे बड़ी खासियत क्या है, कि उसमें 10 प्लस हाफ लाइन होती है, 10 प्लस हाफ लाइन, यानी कि हम कह देंगे 10.5, 10.5 लाइन की होती है कर्टल सोनेट, ये एक सबसे बड़ी बात है इसमें। एडिशनल हाफ लाइन होती है एंड में और पहली 10 लाइंस होती हैं, है ना। तो बच्चों आंसर बिल्कुल सही बताया आपने, ये आंसर हमारा थ्री बनेगा, जीएम हॉपकिंस, इट वॉज जीएम हॉपकिंस हु हैड रिटन दीज पर्टिकुलर सोनेट्स। ठीक है जी, तो कर्टल सोनेट इफ यू सी वॉज रिटन बाई हॉपकिंस, ये हॉपकिंस की लिखी हुई थी।
बिल्कुल सही है बच्चों, करेक्ट आंसर कर दिया आपने। बाकी यहां पे पीस और ब्यूटी पे ऐसा बताया गया है कि पीस एंड ब्यूटी ये इनके टॉपिक रहे हैं, दो टॉपिक पे इन्होंने लिखी है हॉपकिंस ने, और ये क्या लिखे हैं, कर्टल सोनेट्स, राइट एवरीवन। हां जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ क्वाट्रेन, क्वाट्रेन सब बच्चे समझते हैं, चार लाइन जो हमारी होती है फोर लाइन स्टेंजा, वो हमारा क्या कहलाता है, क्वाट्रेन। तो देखो, अ टू लाइन टिपिकली राइमिंग यूनिट ऑफ वर्स, अ टाइप ऑफ मेट्रिकल फूड, अ फोर लाइन टिपिकल राइमिंग यूनिट ऑफ, तो बेसिकली आंसर हमारा क्या बनेगा, थर्ड, पोएम ऑफ 14 लाइंस, नहीं ये नहीं बनेगा, तो आंसर हमारा थ्री होगा। यस बच्चों बिल्कुल ठीक है, 7 का सी आंसर बनाया आपने, बहुत अच्छे। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट सोनेट, सोनेट के बारे में इनमें से कौन सा सही है, तो बताइए ट्रू क्या है यहां पे सोनेट के बारे में, वी नीड टू फाइंड आउट। बिल्कुल सही है रुचि, राखी, किरण, रूबी, सतीश, सबिया, शालिनी, पलक, रीना, रूबी, बहुत अच्छे बच्चों। अब 8 नंबर का आंसर आपको देना है कि ट्रू क्या है इनमें से सोनेट के बारे में, व्हाट इज ट्रू अबाउट सोनेट, कैसे हम डिफाइन करेंगे बच्चों। तो 8 नंबर का अगर हम देखें तो देखो जरा ध्यान से देखेंगे, पहले शुरू करते हैं नंबर 1 से, इटालियन फॉर्म ऑफ सोनेट इज ऑल्सो नोन एज रेगुलर और क्लासिकल, ठीक है ना, ये बात हमारी रेगुलर, उनको रेगुलर भी कहते हैं, रेगुलर क्लासिकल ही सिर्फ नहीं कहते। इंग्लिश सोनेट हैज 3 डिविजन्स, ये कोई जरूरी नहीं है, टू डिविजन होती है। स्पेंसेरियन सोनेट हैज 4 क्वाट्रेन्स इन इट, तो बताओ बच्चों 4 क्वाट्रेन्स होती हैं क्या, 4 × 16 वो तो 14 से ऊपर चली जाएंगी। द राइमिंग स्कीम ऑफ द ऑक्टेव इन रेगुलर फॉर्म ऑफ सोनेट इज ABCD ABCD, हां जी बच्चों बताइए क्या आंसर बनेगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ए आंसर कह रहे हैं। ओके, बाकी बच्चे बताएं, सब बच्चे बताएं अपना आंसर। हां जी, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ट्रू अबाउट सोनेट, देखो बच्चों एक तो पहली बात ये सेकंड गलत हो गया, 3 डिविजन्स नहीं होती, 2 डिविजन्स होती हैं, करेक्ट बात है। थर्ड नंबर पे देखो, स्पेंसेरियन सोनेट हैज 4 क्वाट्रेन्स, बिल्कुल नहीं, 4 क्वाट्रेन्स नहीं होती। राइमिंग स्कीम ऑफ द ऑक्टेव इन अ रेगुलर फॉर्म ऑफ सोनेट इज ABCD ABCD, ये भी कोई बात नहीं है, आंसर बचा आपका ए, इटालियन फॉर्म ऑफ सोनेट इज ऑल्सो नोन एज रेगुलर और क्लासिकल सोनेट, ये बिल्कुल हम इसे कहते हैं, तो आंसर आपका ए ही जाएगा बच्चों, आंसर वुड बी ए, ठीक है जी। तो ए आंसर पे आप जाएंगे, फिक्स रहना है अपना जो भी आंसर आपने लिया है। क्वेश्चन नंबर 9, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ए स्टोरी इज कॉल्ड, अगर हम सीक्वेंस को देखें इवेंट्स की किसी स्टोरी में तो क्या कहलाती है, क्रोनोलॉजी, टाइमलाइन, प्लॉट, या फिर बच्चों कॉन्फ्लिक्ट। जी बच्चों तो बताइए, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ए स्टोरी इज कॉल्ड, ये क्या कहलाती है, 9 का सी आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है पलक आपने, बहुत अच्छे, ये बच्चों प्लॉट कहलाता है, प्लॉट। और अगर आप एरिस्टोटल को पढ़ोगे तो एरिस्टोटल ने जो 6 एलिमेंट्स बताए हैं उन एलिमेंट्स में प्लॉट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द प्लॉट वन, ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेल्युएट्स प्यूपिल्स अचीवमेंट एट द एंड ऑफ द कोर्स, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्यूपिल के अचीवमेंट को रिकॉर्ड करता है, इवेल्युएट करता है एंड ऑफ द कोर्स पे, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, समेटिव, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो 10 नंबर का हमारा आंसर बच्चों क्या होना चाहिए, क्या ये फॉर्मेटिव होगा, एफ ए होगा, या फिर ये एस ए होगा, या फिर ये इंटरनल, या फिर एक्सटर्नल इवेल्युएशन बनेगा। यस एवरीवन, बी आंसर का है, बिल्कुल सही है राखी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है रुचि, सबिया बिल्कुल ठीक है, सतीश, रीना, शालिनी, ये बच्चों 2 बनेगा, ऐसे बनेगा, क्योंकि आपको पता है ऐसे ही अचीवमेंट टेस्ट को लेता है, और वो भी कहां, एंड ऑफ द यूनिट के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द समेटिव असेसमेंट इवेल्युएशन इज, समेटिव इवेल्युएशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है, टू असाइन ग्रेड्स टू द पीपल प्यूपल्स,
to assess his learning experience in classroom, to evaluate content side of the learner's achievement, to assess his learner's physical fitness. तो हम इसमें क्या आंसर करेंगे 11 का? जी बच्चों बताइए, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11? 11 का सी आपने कहा है, इवेल्युएट कंटेंट साइड ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट. बेटा कंटेंट साइड कैसे? देखो ध्यान से, यहां पे कंटेंट साइड हम कैसे देखेंगे? कंटेंट साइड तो हमें यहां पे दिखाई देगी ही नहीं. That would not be the correct one. 11 का A आपने कहा है राखी, पलक आपने भी ये कहा है, शालिनी बिल्कुल सही है बच्चों, ये A बनेगा आपका आंसर. मतलब कहने का ये है, समेटिव इवेल्युएशन में हम असाइन क्या करते हैं? ग्रेड असाइन करते हैं, ग्रेड A, ग्रेड B. ये CCE के अंडर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आंसर आपका A बनेगा. समेटिव असेसमेंट इज जनरली द वर्क ऑफ, तो बताइए क्या बनेगा? समेटिव असेसमेंट इज जनरली द वर्क ऑफ क्विज प्रोग्राम्स, होम असाइनमेंट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट या फिर स्टैंडर्डाइज टेस्ट. क्या बनाएंगे आप? अच्छा कोई बात नहीं देना, अगर रीड नहीं किए हैं बट हम इसको करेंगे. अच्छा राखी, राखी अब तो बेटा बफरिंग नहीं है तो ठीक चल रहा है, और जहां तक मुझे लग रहा है कि आवाज भी आज ठीक है. बच्चों आवाज क्लियर आ रही है सबको? आज लो आवाज नहीं है, आवाज भी आपकी जहां तक मुझे उम्मीद है कि ठीक होनी चाहिए. जी 12 का डी बनेगा बच्चों, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट की बात करेगा. हम समेटिव असेसमेंट में ऐसे में क्या देखते हैं? स्टैंडर्डाइज टेस्ट. हां जी जूनियर एडिट में भी रीना ये हमें हेल्प करेगा. एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है बच्चों, बिल्कुल मैक्सिमम ने करेक्ट आंसर दिया है, बहुत अच्छे वॉइस ठीक है शालिनी, ऑल राइट. अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स लर्नर्स फिजिकल फिटनेस, देयर अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड ऑल राउंड बिहेवियर. मतलब कौन सा इनमें से ये सब चाहता है, इन्वॉल्व करता है? एक्सटर्नल इवेल्युएशन, समेटिव, फॉर्मेटिव या फिर इंटरनल? सब बच्चे बताएंगे आंसर हमारा क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 14 का. व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस 14 नंबर? मोहित आप डी कह रहे हैं, इंटरनल इवेल्युएशन. ओके बाकी बच्चे बताएं अपना अपना आंसर. पलक 13 का नंबर नहीं हुआ, 13 नंबर नहीं हुआ. अच्छा चलो पहले इसको कर लेते हैं 14 नंबर को, ये बड़ी तेजी से बढ़ गए हैं. डी आपने बताया, 13 का सी. ओके बच्चों इसका जो आंसर बनेगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल लर्नर्स फिजिकल फिटनेस, अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड ऑल राउंड बिहेवियर. फोर्टीन का सबको बताना है पहले. सी फॉर्मेटिव वैल्यूएशन. बच्चों ये आंसर आपका ए बनेगा, एक्सटर्नल इवेल्युएशन. एक्सटर्नल इवेल्युएशन, एक्सटर्नल इवेल्युएशन में लर्नर की फिजिकल फिटनेस भी देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग में इंटरेस्ट भी, एप्टीट्यूड भी एंड ऑलराउंड बिहेवियर भी. फॉर्मेटिव में तो बहुत ज्यादा जो यूज होता है वो उसकी नॉलेज का यूज होता है, उसने क्या सीखा, जो उसे पढ़ाया गया उसमें से क्या सीखा. अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं. Which of the following depends upon criteria? इनमें से कौन सा क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है? CCE, इंटरनल, फॉर्मेटिव या फिर समेटिव? तो अब सब बच्चे बताएंगे 13 का आंसर क्या बनेगा, कौन सा इनमें से डिपेंड करता है क्राइटेरिया पे? यस बच्चों सी आंसर, फॉर्मेटिव वैल्यूएशन. ओके ठीक है बाकी बच्चे बताएं. राखी आपने ए बताया है. ओके 13, अच्छा 13 का ए. जी बिल्कुल बच्चों 13 का आपका आंसर ए ही बनेगा, सीसीई. आपको याद है आपने सीसीई पढ़ा है, आपको एक एक पॉइंट उसमें बताया गया था. तो कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन बेसिकली क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है कि वहां का क्राइटेरिया कैसा है. ठीक है जी,
तो आंसर आपका 13 का क्या बनेगा 1। अब देखो 14 आपने कर लिया, 15 को देखो, 15 भी ऐसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसेस, कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसेस टू जज लर्नर्स परफॉर्मेंस इन ऑल द स्कॉलेस्टिक एंड नॉन स्कॉलेस्टिक, फॉर्मेटिव, समेटिव, सीसीई या बच्चों आपका इंटरनल इवेल्युएशन बनेगा। बताइए 15 का आप क्या बनाएंगे? सी आंसर कह रही है पलक। ओके, स्कॉलेस्टिक भी आएगा, नॉन स्कॉलेस्टिक भी आएगा। बताइए बच्चों 15 का आंसर हमारा क्या होना चाहिए? तो 15 का आंसर बच्चों हमारा क्या बनेगा? सी आंसर आप कह रहे हैं एग्जैक्टली बनेगा सीसीई। ठीक है जी, ये सबको इवेल्युएट करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फॉर इवेल्युएशन, सबसे ज्यादा इवेल्युएशन के लिए इनमें से किसको यूज किया जाता है? इंटरव्यू, चेकलिस्ट, टेस्ट एंड ऑब्जर्वेटिव, ऑब्जर्वेशन डिवाइस। अच्छा रीना, ओके रीना, इनको क्वेश्चंस को बाद में देखना आप एक बार। तो सबसे ज्यादा बताओ बच्चों किसका यूज होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली? मोहित आपने डी कहा है। ओके, किरण आपने डी कहा है, ठीक है जी। बच्चों सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो आपका टेस्ट होता है, टेस्ट। हां जी, 16 का आपको 3 लगाना होगा। टेस्ट अगर आप देखेंगे तो इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर इवेल्युएशन। देखे ना आप, हाफ ईयरली टेस्ट, फुल ईयरली टेस्ट, मंथली टेस्ट, क्लास टेस्ट, तो सबसे ज्यादा क्या हुआ आपका? टेस्ट हुआ। क्योंकि इंटरव्यू, चेकलिस्ट और ऑब्जर्वेशन डिवाइस ये तो बिल्कुल एक ही बार यूज करने के हैं, लेकिन टेस्ट को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएंगे 17 नंबर। Which of the following is not an element of process of evaluation? Evaluation का कौन सा इनमें से element नहीं है? वो नहीं कह रहा है बच्चों, तो बताइए नहीं वाले में क्या बनेगा? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ऑल राइट, ओके किरण। तो बताओ educational objective, reading text या फिर learning experience या फिर evaluation? भाई evaluation process का element, evaluation तो होगा ही होगा बच्चों, लर्निंग एक्सपीरियंस भी होगा, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव भी। बचा हमारा रीडिंग टेक्स्ट, तो ये कोई इवेल्युएशन का एलिमेंट थोड़ी होता है। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? आंसर वुड बी सेकंड, रीडिंग टेक्स्ट, इट वुड बी रीडिंग टेक्स्ट। जी बच्चों बिल्कुल सही है। हां ज्यादातर क्वेश्चन सीसीई से हैं, बिल्कुल जी। अब बच्चों अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अब थोड़ा सा आपका ग्रामर वाला पोर्शन है। Do you like the rooms? बताइए इसका पैसिव क्या बनेगा आपका? पैसिव वॉइस आपको बनानी है। Do you like the rooms? क्या बनाएंगे बच्चों? देखो इसको ज्यादा बढ़िया कर पाएंगे। 17 का बी, ओके ठीक है। सतीश, राखी करेक्ट बात है, मोहित। Do you like the rooms? 17 का 2, ओके ठीक है राखी। हाँ थोड़े क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, इजी हैं रुचि। तो इसका क्या आंसर देंगे आप? डू यू लाइक द रूम्स, ये आपका पैसिव वॉइस बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपने डी बनाया है, बिल्कुल सही आंसर जा रहा है, करेक्ट सतीश, पलक बहुत अच्छे, राखी, किरण, बिल्कुल बच्चों डी बनेगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं यहां पर। डू से शुरू करते हैं, डू यू लाइक द रूम्स, तो डू यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी शुरू में आएगी। डू डज किस में बदलते हैं? इज एम आर में। रूम्स के लिए क्या बनेगा? आर, तो आर द रूम्स लाइक्ड बाय यू बन गया, हमारा आंसर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, ओपन द डोर, इसका पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे बच्चों? ओपन द डोर, ठीक है सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है 18 का। 19 का बताएं आप सब लोग। नाइनटीन का क्या बनेगा? ए, रीना ने ए कहा है, लेट द डोर बी ओपन। बाकी बच्चे अपने अपने अकॉर्डिंग बताएं, सभी ने यही बता दिया है, पलक, रीना, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर बच्चों आपका 1 बनेगा, लेट द डोर बी ओपन। हम इसे लेट से शुरू करेंगे।
अगला क्वेश्चन, चेंज द सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस. अब आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है 20 का. इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड. ये पैसिव वॉइस है आपकी, आपको इसे एक्टिव वॉइस में करना है. तो 20 का आंसर बच्चों क्या करेंगे आप? कमेंट मुझे लगता है थोड़ा सा धीरे आ रहे हैं, देर से आ रहे हैं, बट कोई बात नहीं है, आनी चाहिए बस. 20 का डी, दिस इज द टाइम टू क्लोज ऑफिस. देखो इट से शुरू हो रहा है, हां जी बच्चों, अगर हम 20 का देखेंगे, इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड. इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस. सेकंड क्यों नहीं बनेगा बच्चों? बी बनेगा, सीधी सी बात है. बी, इट इज से शुरू हो रहा है, इट इज ही आएगा. इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड, टू क्लोज द ऑफिस. ये आप दिस लगाएंगे, दिस नहीं आएगा बच्चों, गलत हो जाएगा. अगर इट का ना हो ऑप्शन में, तब आप एक बार दिस सोच सकते हैं. अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 21. अब थोड़ा सा फास्ट भी चल सकते हैं क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है. देयर इज नो मिल्क टू बी वेस्टेड. बताइए इसका क्या बनेगा पैसिव वॉइस? देयर इज नो मिल्क टू बी वेस्टेड. एक्टिव, पैसिव, जो भी आप चाहें बनाएंगे बच्चों. वर्षा आपने वन का है, ओके ठीक है. नो मिल्क हैज टू बी वेस्टेड. सब बच्चे बताएंगे बी ही होगा, मिल्क मस्ट नॉट बी वेस्टेड हेयर. 22 का बताएंगे आप सब बच्चे, और सॉरी 21 का. ए, पलक आपने ए कहा है, नो मिल्क हैज टू बी वेस्टेड. देखो बच्चों क्या है यहां पे, देर इज नो मिल्क टू बी वेस्टेड. तो टू बी वेस्टेड खुद बता रहा है कि ये पैसिव वॉइस है बच्चों. ये क्या है हमारी? पैसिव वॉइस. तो एक्टिव में बदलना है. नो मिल्क टू बी वेस्टेड नहीं आएगा, मिल्क मस्ट नॉट बी वेस्टेड नहीं है, देर इज नो मिल्क टू वेस्ट ये बन जाएगा. हाँ करेक्ट बात है रूबी राखी, करेक्ट दे दिया आपने. रीना बहुत अच्छे. तो 21 का आपका थर्ड बनेगा. 22 का बताएंगे सब बच्चे, हिज करेज वॉन हिम ऑनर. तो बताओ बच्चों ऑनर क्या है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या फिर प्रनाउन है? क्या बनेगा हमारा ऑनर यहां पे? हिज करेज वॉन हिम ऑनर. तो सब बच्चे बताएं आंसर क्या होगा. थर्ड होगा एडवर्ब. ओके वर्षा, बहुत धीरे से आपके कमेंट आ रहे हैं, मेरे ख्याल से देर से आ रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है. शालिनी आपने सी बताया, एडवर्ब होगा ओनर. ओके सब बच्चे बताएं क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर. हिज करेज वॉन हिम ओनर, उसके करेज ने उसे ओनर जितवाया या फिर विनर विन कराया. 22 का सी. ओके जी राखी, बी बनेगा ना? हां जी बच्चों. अरे भाई देखो, हिज करेज वॉन हिम ऑनर, तो क्वेश्चन बना वोट, वोट वॉन हिम, क्या क्या जितवाया? ऑनर, तो ऑनर नाउन बन गया ना. देखो तो आपको किसका आंसर दे रहा है ये बच्चों? वोट का आंसर दे रहा है. वोट का आंसर हमारा आपका हमेशा आपका नाउन बनेगा. क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं. दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटिफुल. वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को. और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है? अब बताइए आप खुद. जी बिल्कुल बच्चों, वो नाउन बनेगा. अब इसको बताएं, तो क्वेश्चन नंबर 23 में दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल में वेरी क्या है? 23 का एडवर्ब. एग्जैक्टली, अब ये एडवर्ब बनेगा बच्चों. तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर? एडवर्ब. इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं. विच पेन डिड यू लाइक मोस्ट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताना है आपको विच यहां पर क्या है. विच यहां पर क्या है बच्चों? आपको ये बताना है. तो फाइंड आउट. तो आप विच को यहां पे क्या? एडजेक्टिव. ओके बहुत अच्छे, चलो आपने समझ लिया है, एडजेक्टिव है. मैंने आपको बताया था नाउन के पहले बच्चों, नाउन के पहले कोई भी वर्ड होगा एडजेक्टिव, उसके पहले आ जाए तो एडवर्ब, फिर सारे एडवर्ब होते हैं. तो ये आपको ध्यान में रखना है. विच यहां पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है. अगले क्वेश्चन पे आते हैं जी. रानी स्पीक्स थ्री लैंग्वेजेस बिसाइड्स हिंदी. तो बिसाइड्स यहां पे क्या है? नाउन, वर्ब, एडवर्ब या फिर प्रपोजिशन?
क्वेश्चन नंबर 25 को बताएंगे सब बच्चे। 24 का आंसर बहुत अच्छा दिया है, ज्यादातर बच्चों ने करेक्ट कर दिया है। 25 का सी आपने कहा है प्लग, ओके। बाकी बच्चे भी बताएं कि 25 का आंसर हमारा क्या बनेगा जी। 25 का सी, सभी बच्चों ने सी आंसर कर दिया है तो करेक्ट है। और बच्चों अगर बिसाइड हो तो भी हमारा प्रपोजिशन ही बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शीज टोलर देन रेशमा, तो बताओ बच्चों टोलर यहां पे क्या है, व्हाट इज टोलर हेयर। ठीक है किरण, पलक, राखी, रूबी, रुचि, शालिनी, रीना, किरण, वर्षा, बहुत अच्छे बच्चों। तो आपको टोलर को बताना है कि टोलर यहां पे एडवर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है या फिर इंटरजेक्शन है। हाँ कमेंट लेट जा रहे हैं राखी, वही मैं देख रहा हूं, कोई बात नहीं है, ऐसा होता है कभी कभी। 26 का ए आप एडवर्ब कह रहे हैं टॉलर, मोहित बी कह रहे हैं ओके, बच्चों ध्यान से देखो टॉलर, आप देखो टॉल लंबा, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये तीन डिग्री किसकी होती है, समझ जाओ एडजेक्टिव की, ये बच्चों एडजेक्टिव है आपका, तभी तो कंपेयर कर रहे हैं ना आप। हां बिल्कुल ठीक है मोहित, करेक्ट हो गया। राखी बिल्कुल ठीक है जी, किरण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 27, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, तो अनलेस यहां पे क्या है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन और नाउन। तो सब बच्चे फाइंड आउट करें व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27, अनलेस यहां पे क्या होगा, तो अनलेस बच्चों आपका कंजंक्शन बनेगा, इट वुड बी अ कंजंक्शन। ठीक है जी, हां जी 27 का कंजंक्शन बनेगा। 28 पे आते हैं, आई सो हिम क्रॉसिंग द रोड, तो बताओ क्रॉसिंग वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या फिर एडवर्ब है। आई सो हिम क्रॉसिंग द रोड, तो क्या बनाएंगे सब बच्चे आंसर इसका। करेक्ट एवरीवन, बी आंसर आप बता रहे हैं, क्रॉसिंग नाउन बनेगा। बच्चों देखो आई सो हिम क्रॉसिंग, मैंने उसे क्रॉस करते हुए देखा रोड को, तो क्रॉस करते, तो क्रॉस करने का मींस क्या बन गया, ये वर्ब बन गई हमारी। हां जी 28 का ए आएगा। ठीक है जी, अगर मैं कहता आई लाइक हिज क्रॉसिंग, तो क्रॉसिंग फिर वहां पे क्या बन जाता, नाउन बन जाता। तो 28 का है। 29, ही फ्रीक्वेंटली कम्स हियर, फ्रीक्वेंटली क्या है बच्चों यहां पे, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, एडवर्ब या फिर वर्ब, क्या मींस देंगे आप फ्रीक्वेंटली का, फ्रीक्वेंटली को हम कैसे यहां पे यूज कर रहे हैं। तो ये फ्रीक्वेंटली बिल्कुल सही है आपका आंसर, क्या जाएगा बच्चों, एडवर्ब बन रहा है, ये एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, वाओ, ये जो वाओ वर्ड है ये क्या है, नाउन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है या फिर प्रपोजिशन है जी। 29 का बी आंसर है, बहुत अच्छे। तो 30 का आंसर क्या बनेगा, बी। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर जी रीना, बिल्कुल ठीक है राखी, बहुत अच्छे। ये बच्चों इंटरजेक्शन बनेगा, कितने भी वर्ड्स हो, वाओ, अलास, हाय, ओ, अरे एटसेट्रा, और ये साइन साथ में आ जाए तो ये इंटरजेक्शन में आता है। 30 का बी आंसर। 31, दीज एप्पल्स आर रोटेन, दीज को बताना है क्या है यहां पे, These apples are rotten. तो what is these here? Adverb है, adjective है, pronoun है या फिर बच्चों noun है, क्या बनेगा। 31 का आंसर करेंगे सब लोग। तो अगर किसी noun के पहले कोई word आए बच्चों तो वो कैसे use होता है, देखो fix हो जाएगा यहां पे again। तो कैसा function करेगा, adjective का, बिल्कुल ठीक है, it would be adjective।
नहीं बच्चों, अब देखो ध्यान से रुचि, अगर मैं ये कह दूं आपको कि दीज आर, मैं कह दूं दीज आर एप्पल्स, ये एप्पल्स हैं, तो एप्पल्स क्या है? नाउन। इसके लिए कोई वर्ड यूज हुआ? भाई देखो दीज आर एप्पल्स, ये एप्पल्स हैं, तो ये एप्पल्स, एप्पल्स के लिए कौन सा, दीज किसके लिए यूज हुआ? एप्पल्स के लिए, तो ये बन गया प्रनाउन। अकेला होगा प्रनाउन और किसी नाउन के साथ में आएगा तो बन जाएगा एडजेक्टिव। ये सब बच्चों को याद है ऑलरेडी, ठीक है जी। एडजेक्टिव का कहना था संसंग जीना, संसंग मरना, देखो ये रहा यहां पे। और एडवर्ब प्रनाउन का कहना था अकेले हम, अकेले तुम, बोलो बच्चों याद आ रही बात की नहीं? तो इस तरह से आपको इसको ध्यान में रखना है। 32, व्हाट मेक्स यू, आपको बताना है व्हाट मेक्स यू लाफ आएगा, टू लाफ आएगा, आर लाफिंग आएगा, या फिर लाफ्ट आएगा, व्हाट मेक्स यू बताइए बच्चों। नहीं रुचि, ओल्ड टाइम एडजेक्टिव नहीं है, अगर अकेला आता है तो प्रनाउन बनेगा और नाउन के पहले आता है तो एडजेक्टिव बनेगा। तो 32 का आंसर क्या बनाएंगे बच्चों? आज हमारे 40 क्वेश्चंस होंगे, 32 का बी, बिल्कुल बी नहीं आएगा बच्चों। देखो यहां पे लाफ आएगा, देखने में टू लाफ अच्छा लग रहा है, व्हाट मेक्स यू टू लाफ, लेकिन मेक्स ऐसी वर्ब है जिसके बाद में V1 आती है, ओनली V1। व्हाट मेक्स यू लाफ, व्हाट मेक्स यू स्लीप, व्हाट मेक्स यू ईट, ठीक है जी। तो आंसर 32 का आपका डी बनेगा। 33, ही शेल टेक हिज एग्जाम नेक्स्ट वीक, शुड बी टेकिंग, विल बी टेकिंग, या शेल टुक, क्या बताएंगे आप आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का? सो बच्चों 33 का आंसर आपका क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, शैल बी, विल बी टेकिंग। देखो अगर यहां पे होता बच्चों विल टेक, ही विल टेक हिज एग्जाम नेक्स्ट वीक, तो भी सही होता, लेकिन ही के साथ में शैल नहीं आ सकता है ना, इसलिए गलत हो गया। शुड कोई बात नहीं बनती, शुड बी टेकिंग, शैल कोई बात नहीं बनती, तो क्योंकि ही के साथ में शैल कभी नहीं आएगा, ये कंडीशन बनेगी बच्चों आपकी, राइट एवरीवन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 34, व्हेन द पोस्टमैन नॉक्ड एट द डोर, आई हैड माय लंच, एम हैविंग, वाज हैविंग, या फिर हैव, क्या बनाएंगे आप इसमें? क्वेश्चन नंबर 34 में बच्चों क्या आप आंसर करेंगे? ओके मोहित, बच्चों के थोड़े थोड़े कमेंट देर में आ रहे हैं। अच्छा अच्छा हाँ, राखी जल्दी में हो जाता है, ये तो होता है कि जल्दी में कुछ टाइप हम अलग कर देते हैं। तो बताइए बच्चों यहां पे आंसर आपका क्या बनेगा? हां जी, थर्टी फोर का सी, एग्जैक्टली बच्चों, बहुत अच्छे। वोज हैविंग, एक्चुअली लंच वगैरह जो होते हैं, खाना, लंच एटसेट्रा, उसके लिए हम हैविंग का यूज करते हैं, बाकी हैविंग कहीं पे भी यूज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 35, इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ अस, बताइए, वॉकिंग, टू वॉक, वॉक, या फिर बच्चों वॉक्ड, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या देंगे आप? इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ अस, बिल्कुल किरण, ए बनेगा, हां जी वॉकिंग बनेगा, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ अस, करेक्ट बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 36, माई अंकल विजिटेड इंग्लैंड 3 times, हैज विजिटेड, विजिट्स, या फिर इज विजिटिंग, मेरे अंकल ने इंग्लैंड को 3 times विजिट किया, या किया है, या फिर कर रहे हैं, या फिर करते हैं। 35 का 2 एग्जैक्टली बच्चों, 36 का, हां जी ये बिल्कुल सही है, बी बनेगा, माई अंकल हैज विजिटेड इंग्लैंड 3 times, है ना, इसका मतलब पास्ट का प्रेजेंट से कनेक्शन बता रहा है, तो हम परफेक्ट का यूज यहां पे करेंगे। हाँ बिल्कुल पलक, जूनियर वाले भी शुरू करेंगे, बस
अभी मैं बताऊंगा आपको, शेड्यूल बताऊंगा, चीजें बताऊंगा, अभी हम क्लास के लास्ट में बच्चों भी डिस्कस करेंगे। 37 द जज, 37 क्वेश्चन कहता है द जज फाउंड हिम गिल्टी एंड, अब देखो बच्चों यहां पे क्योंकि फाउंड है तो सेकंड फॉर्म ही यहां पे आएगी, सेंडेड नहीं बनेगा, हैव सेंट नहीं बनेगा, सेंट नहीं बनेगा, सेंट आएगा, एंड सेंट हिम टू प्रिजन। ठीक है जी, 37 का आंसर आपका 3 बन गया। 38 का बताएंगे, 38 क्वेश्चन कहता है ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन मंडे, तो कम्स के अकॉर्डिंग बताना है कौन सा टेंस आपका है, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट। तो बताइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आप क्या देंगे जी। 37 का डी है, करेक्ट बात है तनु। थर्टी एट का बच्चों आपका आंजी प्रज्ञा, ओके टू, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिल्कुल सही बात है, हमारा आंसर टू बनेगा जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मुकेश हैड रीच्ड, तो सब बच्चे बताएंगे हैड रीच्ड से हमारा कौन सा टेंस बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर बच्चों पास्ट परफेक्ट बनेगा। 39 का आंसर क्या बनेंगे, सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया, पास्ट परफेक्ट, प्रज्ञा कह रही है बिल्कुल सही आंसर है, फोर्थ बनेगा आपका, तो ये पास्ट परफेक्ट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 40, रीना इज निटिंग, रीना इज निटिंग अ स्वेटर एट द मोमेंट, तो बताइए निटिंग क्या बनाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस या बच्चों बच्चों नन ऑफ दीज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ए आंसर आएगा, बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चों आपका और बनता है यहां पे, इसको भी बता देंगे, एप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है आपको ब्लैंक्स में, भारत वेंट टू फेच अ बुक्स, मोर बुक्स, देयर बुक्स या सम बुक्स, क्या आंसर करेंगे आप लोग, भारत वेंट टू फेच जी। 40 का है, बहुत अच्छे, तनु, रुचि, राखी, रीना, पलक, किरण, रूबी, जूली, सम आएगा, एग्जैक्टली सम आएगा बच्चों, भारत वेंट टू फेच सम बुक्स, तो आंसर हमारा डी बनेगा। ठीक है जी, अब बच्चों देखेंगे, बस ये लास्ट आ गया है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लेकिन मैं स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस कर लेता हूं। सब बच्चे यहां पे ध्यान से देखें, एक्चुअली रीट के लिए बच्चों हम ये बच्चों की हेल्प करना चाहते थे कि बच्चे इसको ध्यान से देखे, कुछ प्रैक्टिस कर ले, तो आज हमने 6th प्रैक्टिस को कवर कर लिया है, कल सब बच्चों का एग्जाम है 26th को। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मैं सब बच्चों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, ऑलराइट एवरीवन। आज काफी कम बच्चे आए हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चे या तो ट्रेन में होंगे या फिर वहां पे पहुंच चुके हैं, है ना, या अपने वर्क में लगे हुए हैं, वो अपने फाइनल मतलब एक तरह से अप्रूवल पे हैं, राइट बच्चों। तो एक बात सबसे बड़ी, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, एंड सेकेंड थिंग मैं कहता हूं सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें, कल मैंने बता दिया था इंस्ट्रक्शंस पढ़ के जाएं, अपनी किसी भी एक्सेसरी को ना छोड़ें, सब बच्चे बढ़िया तरह से तैयार होकर वहां पे पहुंचे आप लोग। अच्छा रुचि, सीसीए को बेटा एक बार देख लेना आप लोग, तो र्यूमर पे ना जाएं, कॉन्फिडेंस से वर्क करें, जो आपने पढ़ा है वो आएगा ये सोच के जाएं और बढ़िया से अपने वर्क को करें, है ना, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो बच्चों, र्यूमर ना पकड़े, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, टाइम से जाएं, टाइम से पहले ही पहुंच जाएं और बढ़िया से अपना वर्क करके आए, डन। हां रुचि मैं समझ गया, ट्रेन में होंगे, काफी बच्चे ट्रेन में हैं इस समय। और दूसरी बात बच्चों ये रही कि अब हम एक काम करेंगे, कल तो रखेंगे ऑफ, 26 को आपका ऑफ रहेगा, है ना, कोशिश करेंगे अगर हमें पेपर जल्दी मिल जाता है आपका तो पेपर को, आप में से कौन बच्चे ऐसे हैं जो पेपर हमें सेंड करेंगे बताइए, पिछली बार जब हमारा ये हुआ था ना, ये एग्जाम हुआ था डीएसएसबी का, तो किसी भी बच्चे ने, लेकिन वो इसलिए नहीं भेजा होगा क्योंकि बच्चों के पास में थे ही नहीं, तो आप मुझे पेपर भेजेंगे, हाँ जी सब बच्चे मुझे पेपर भेज देंगे रीट वाला, मैं कोशिश करूंगा कि उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं इंग्लिश वाले पार्ट का जी। रीना बफरिंग तो बेटा अच्छा आपकी तरफ से हो रही होगी, इधर तो बफरिंग है, बफरिंग इधर भी लग रही है, तो चलिए कोई नहीं, अब तो लगभग एंड सा आ गया है क्लास का। तो बच्चों पेपर मुझे भेजना है आपको, आप मुझे पेपर भेजेंगे
और फिर हम अपने कमिंग वीक से शुरू करते हैं जूनियर एडिट वाली क्लासेस, तो हम फिर वापस वहीं पे जूनियर एडिट पे आ जाएंगे। ठीक है जी, जूनियर एडिट का है और जो भी अपकमिंग एग्जाम है उनकी प्रैक्टिस पे हम फोकस करेंगे। हाँ जी, मंडे से सीटेट भी शुरू होगा बच्चों, शाम को 8 o'clock क्लास होगी। मैं सब बच्चों को बता दूं, करियर विल पे शाम को 8 o'clock क्लास होगी आपकी, 8 p.m. 8 p.m. टू 9 p.m. क्लास होगी सीटेट वाली। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं इसको ज्वाइन करें 27 सितंबर से। ठीक है जी, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। ठीक है, रुचि ने कह दिया है शी विल सेंड। और एक बच्चा भी ध्यान रखे, एक दो बच्चे प्रज्ञा या रीना अगर आप जा रहे हैं तो आप भी भेजें जरूर। रुचि का मुझे ध्यान रहेगा कि शी विल सेंड। रुचि आप मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भी कर देना कि आम रुचि, जिससे मैं आपको कॉल करके याद दिला सकूं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम भूल जाते हैं। हाँ, सीटेट का भी करेंगे रुचि, बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट बच्चों, तो चलिए आज की वर्क को यहीं पे ओवर करते हैं। अगेन बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें सब बच्चे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ठीक है रीना, आप अपीयर हैं तो बिल्कुल भेजना आप इसको, आप मुझे पेपर सेंड कर देना। रुचि और रीना दो बच्चे हमें सेंड करेंगे। अच्छा, रीट में नहीं है आप, चलो कोई नहीं, रुचि तो करेंगे, एक आध बच्चा और भी कर देगा। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, गुड नाइट।